हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो एग्ज़ाम होने वाला है लाइब्रेरियन स्टेनोग्राफर के एंड उसके साथ साथ जो फार्मेसिस्ट के एग्ज़ाम होने वाला है उसका डेट यहाँ पे दे चुका है दोस्तों। आप लोगों को बता देता हूँ, ऑफिशियली जो बोर्ड की तरफ से यहाँ पे डेट जो है अपडेट कर दिया गया है कि कौन सी डेट में आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले, इसके लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारे डिटेल्स बताऊँगा कि कौन सी डेट में आपका जो एग्ज़ाम है होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप भी एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको ये जो वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये जो अपडेट है आ चुका है, जहाँ पर बताया गया है आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जिन पोस्ट के उसका ये डेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, न्यू दिल्ली RSMSSB एग्ज़ाम डेट, द राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हैज़ इशूड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट फार्मासिस्ट लाइब्रेरियन एंड स्टेनो पोस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो तीन पोस्ट है इसके जो डेट है यहाँ पे दिया हुआ है। जो जो एग्ज़ाम देने वाले उन सारे स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पर जो डेट दिया हो इसी डेट में आपका जो एग्ज़ाम है होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट दिया गया है ऑफिशियली जो है इस डेट को कन्फर्म कर दिया गया है ऑफिशियली। आप लोग देखना चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग वहाँ पे जाके भी विजिट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, द शेड्यूल ऑफ द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड ऑफ RSMSSB rajasthan.gov.in। तो दोस्तों, इस वेबसाइट में जाके आपका जो अपडेट है, आप लोग ऑफिशियली अपडेट आकर देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वेबसाइट में जाके देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल रिलीज द वेबसाइट द RSMSSB विल कंडक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द फार्मासिस्ट एंड लाइब्रेरियन ऑन July 6, 2019। दोस्तों, यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है July 6, 2019 में फार्मासिस्ट एंड लाइब्रेरियन के जो दोनों एग्ज़ाम होने वाला है। एट द सेम टाइम द स्टेनो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एंड 14 जुलाई। तो दोस्तों, 6 जुलाई जो कि है फार्मासिस्ट एंड लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम हो जाने के बाद 14 जुलाई होने वाला है आपका स्टेनो के पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है 14 जुलाई में होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द फार्मासिस्ट एट द एग्ज़ाम वॉज रिलीज्ड ऑन August 13, 2018। एडवर्टाइजिंग फॉर अ लाइब्रेरियन पोस्ट रिलीज ऑन May 21, 2018। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली बताया है कौन सी डेट में आपका जो एडवर्टाइज्ड है वो निकला हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सी डेट में आप लोगों को एग्ज़ाम होने वाला है और उसके साथ साथ टाइम भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए जो डेट दिया हुआ है 6 जुलाई 2019। टाइम जो है यहाँ पर दिया है 8 AM सुबह के 2:11 AM। तो दोस्तों, उन दिन जो है दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, एक फार्मासिस्ट के लिए होगा एंड सेकंड जो है लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। डेट आपको सेम रहेगा, सिर्फ टाइम जो है यहाँ पे बदल जाएगा। डेट जो है 6 जुलाई 2019 लाइब्रेरियन के लिए एंड टाइम जो है 3 PM to 6 PM। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते, सेम डे में यहाँ पर आपको दोनों एग्ज़ाम होने वाला है एंड इसके साथ साथ जो स्टेनोग्राफर के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका डेट हुआ है 14 जुलाई 2019। यहाँ पे भी आपको फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट जो होगा 8 AM to 11 AM एंड सेकेंड शिफ्ट जो होगा 3 PM to 6 PM। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है अगर आप चाहते हैं ऑफिशियली देखना तो दोस्तों जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है rsmssb.rajasthan.gov.in, आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग वहां से जाके आपका जो अपडेट है या नोटिफिकेशन है ऑफिशियली आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि बता दिया है रिजल्ट डेट क्या है, उस दिन में जाके आपका जो रिजल्ट डेट है आपको जाके आपको रिजल्ट देना हो, आपका जो
एग्ज़ाम है अब देना होगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आया या कुछ भी अगर मिस्टेक हो गया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं यहाँ पे, अगर कोई भी अगर मैं जो कि स्किप कर गया हूँ तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते, मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।